इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, तो जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा हम किसी व्यक्ति विशेष को जो निर्दोष हो उसको सजा देने के लिए नहीं, जो दोषी है उसको उसको किए की सजा मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमें न्याय पे भरोसा है। देखिए अभी जो मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको पालन करते हैं, हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर फैसला सुरक्षित रखा गया है, मुझे पता चल रहा है कि शायद कुछ दिन बाद ये फैसला होगा, तो जो भी होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा हम किसी व्यक्ति विशेष को जो निर्दोष हो उसको सजा देने के लिए नहीं, जो दोषी है उसको उसको किए की सजा मिले, हम इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हमें न्याय पे भरोसा है। सर, शेखर सुमन जी ने आज बीजेपी ज्वाइन करी है, उसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी से जुड़े कई लोग बीजेपी। शेखर सुमन जी कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका वापस बीजेपी में आना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनको आज ये लगा होगा कि जो कांग्रेस पे विश्वास करते थे अब उनका कांग्रेस पे विश्वास नहीं रहा। मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से शेखर सुमन जी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि आपको आना चाहिए, आज शेखर सुमन भाई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को मान लिया है कि वो देश के लिए बहुत अच्छी हैं, हम शेखर सुमन जी का बहुत स्वागत करते हैं और उनका सम्मान भी करेंगे। देखिए हमारे यहाँ आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हमारी लोकसभा से भी लगभग 100 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और वो सब प्रमुख प्रमुख लोग थे, जिनमें एक जितेंद्र बैसला जो हमारे पश्चिम करावल नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और उनको ठीक ठाक वोट हुआ, बहुत मजबूत आदमी है क्षेत्र का, मैं बहुत दिनों से उनको प्रेरित कर रहा था कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलना चाहिए, उन्होंने करीब 14,000 से ज्यादा वोट लिया पार्षद के चुनाव में और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको ज्वाइन कराने के लिए हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, जगदीश प्रधान जी सब विधायक लोग हैं, सतपाल मास्टर पार्षद हैं, हम सांसद स्वयं आए और उनके साथ अनिल पांडे जी और बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण लोग आए, हम उन सभी का स्वागत करते हुए विश्वास दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में देश का और दिल्ली का भी विकास होगा और इन सारे लोगों का हम सम्मान करते हुए नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।